तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि राहत पैकेज को लेकर सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने मोदी की बात ना मानते हुए पाकिस्तान की मदद का किया ऐलान, भारत के लिए सऊदी से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीबीआई की रेड पर बोले मनीष सिसोदिया, मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रही है भाजपा, हम भगत सिंह की संतान है, किसी के बाप से नहीं डरते। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवपाल सिंह यादव ने यदुवंशियों के नाम लिखा पत्र, अखिलेश यादव को बताया कंस, बोले इसे ना दे वोट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के पक्ष में कल नोएडा में पंचायत, किसानों ने दिया समर्थन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में 1.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देगी कांग्रेस सरकार, मिलेगी इंटरनेट व कॉल की सुविधा, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों में मुसलमानों की बढ़ती आबादी से नाराज हुए अमित शाह, बोले किसी भी कीमत पर मुसलमानों की नहीं बननी चाहिए आबादी, डीजीपी को दिया है निर्देश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब ने मोदी सरकार को झटका देते हुए पाकिस्तान की मदद का किया ऐलान, भारत के लिए खतरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब आगे आ गया है। सऊदी अरब ने भारत को झटका देते हुए पाकिस्तान की मदद का ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, महंगाई चरम पर पाकिस्तान में है और सरकार के खिलाफ लोग भी गुस्से में हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस आर्थिक संकट से बचने के लिए सऊदी अरब के प्रधानमंत्री ने कई मुस्लिम देशों का दौरा किया था, सऊदी अरब भी वो गए थे, लेकिन उस समय सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि अचानक ही अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने नकदी की कमी से जूझ रहे अपने देश को बचाने के लिए फिर कई मुस्लिम देशों का दौरा किया। यूएई सहित कई देशों से उन्होंने हाथ भी फैलाए, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान को कर्जा देने की हाँ नहीं भरी। लेकिन आपको बता दें कि जब वो सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब की सरकार ने मुस्लिम देश पाकिस्तान के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और साफ कह दिया है कि भारत कितना भी विरोध करे लेकिन हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीबीआई की रेड के बाद बोले मनीष सिसोदिया, मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रही है भाजपा, हम भगत सिंह की संतान है, किसी से नहीं डरते। या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ हुई सीबीआई छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस आबकारी नीति को लेकर ये विवाद खड़ा किया जा रहा है वह देश की बहुत अच्छी नीति है। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल साहब ने 48 घंटे पहले उस नीति को हटाने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपये का फायदा होता। सिसोदिया ने आगे कहा कि कल अमरीका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम में एक खबर छपी थी जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पर कवर किया गया है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिख रहा है जिससे दुनिया प्रेरित हो सके, ये गर्व की बात है। आगे उन्होंने कहा कि इसी काम को लेकर मुझसे बीजेपी नाराज है और मुझे अब बीजेपी सीबीआई के जाल में फंसाकर जेल में डालने की तैयारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि हम भगत सिंह की संतान है, किसी के बाप से नहीं डरते हैं, बीजेपी को जो करना है वो कर ले। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के पक्ष में कल नोएडा में पंचायत, किसानों ने दिया समर्थन। जी दोस्तों आपको बता दें कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज 21 अगस्त को नोएडा में महापंचायत करेगा। इस पंचायत में 15 लाख लोग के जुटने का दावा किया जा रहा है। बागपत से भी बड़ी संख्या में लोग नोएडा आएंगे। इस पंचायत को भारतीय किसान यूनियन का भी समर्थन मिल गया है। इसको लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट हो गई है। किसान यूनियन ने श्रीकांत की तत्काल रिहाई की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था। श्रीकांत त्यागी के संपत्ति पर कथित अवैध निर्माण और गैंगस्टर एक्ट के तहत बुलडोजर का इस्तेमाल करना और प्रशासन द्वारा परिवार को परेशान करना निश्चित रूप से अनुचित है। एक उचित प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम त्यागी की रिहाई की मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिस बीजेपी का विरोध ये किसान संगठन पहले कर रहे थे, नरेश टिकैत कर रहे थे, आज उसी बीजेपी नेता को छुटाने के लिए ये उसके समर्थन में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवपाल सिंह यादव ने यदुवंशियों को लिखा पत्र, अखिलेश यादव को बताया कंस। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कांग्रेस में जाने की बात को खारिज करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमें गठबंधन का नहीं माना तो हम खुद ही अलग हो गए। इससे इतर यदुवंशियों के नाम संबोधित
अपने एक पत्र में उन्होंने जो है शुभकामनाएं लोगों को दी और शिवपाल ने कहा कि जब भी कोई कंस समाज में अपने पूज्य पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर अनधिकृत रूप से अधिपत्य स्थापित करता है तो धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेंगे। उनका सीधा तंज अखिलेश यादव पर था। अखिलेश यादव को उन्होंने कंस बताया और कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को जबरदस्ती पद से हटाकर उस पद का खुद उपयोग किया और चाचा को भी साइडलाइन कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देगी कांग्रेस सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश की 3 प्रमुख दूर संचार कंपनियों ने राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में रुचि दिखाई है। इस योजना के तहत राज्य में 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उच्च स्तरीय समिति तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद इस महीने ही इस बारे में कोई फैसला कर लिया जाएगा। अधिकारी ने इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द राजस्थान में कांग्रेस सरकार 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देगी। इसी के साथ उन स्मार्टफोनों में इंटरनेट व कॉल की सुविधाएँ मुफ्त मिलेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तरी सीरिया में सीरियाई और तुर्की समर्थित मिलिशियन के बीच भीषण लड़ाई, 20 लोगों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तरी सीरिया में सीरियाई और तुर्की समर्थित मिलिशियाई के बीच लड़ाई में बच्चों समेत कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट ने शुक्रवार को कहा कि उत्तरी अलेप्पो प्रांत में तुर्की समर्थित विद्रोहियों के नियंत्रण वाले शहर अलबाबा पर सीरिया की गोलाबारी में 5 बच्चों सहित कुल 14 नागरिक मारे गए हैं और 38 अन्य लोग घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसी सिनेजाओ की रिपोर्ट के अनुसार वैधशाला ने कहा कि अलबाब में भीड़ भाड़ वाले बाजार और रिहायशी इलाकों में गोले गिराकर ये हमले किए गए हैं। इसी बीच हसाका प्रांत में तुर्की के ड्रोन ने हमले किए हैं जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीरिया और तुर्की एक बार फिर से आमने सामने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद पहली बार पहुंचे आजमगढ़ अखिलेश यादव। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में करारी हार झेलने के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी जिस तरह से केंद्र और राज्य की योजनाओं के सहारे आजमगढ़ पर फोकस कर रही है उससे अखिलेश की चिंता और बढ़ गई है। योजनाओं के सहारे बीजेपी यहां के गैर यादव ओबीसी में अपनी पैठ बनाना चाहती है ताकि अगले लोकसभा चुनाव में फिर आजमगढ़ में जीत मिल सके। इन सारी चालों को भांपते हुए अब अखिलेश यादव आजमगढ़ अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं और इस लिहाज से आजमगढ़ का उन्होंने दौरा किया है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 23 अगस्त को उपचुनाव में हार के बाद आजमगढ़ अखिलेश यादव जाने वाले हैं। अब देखते हैं आजमगढ़ की जनता उनका क्या स्वागत करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉर्डर किनारे गांव में मुसलमानों की आबादी बढ़ने से बीजेपी हुई चिंतित। अमित शाह बोले सीमावर्ती जनसंख्या की परिवर्तन पर नजर रखें राज्य के डीजीपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के पुलिस महानिदेशकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या की परिवर्तन पर नजर रखने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या की परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, इस पर समय रहते नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशकों व सुरक्षा एजेंसियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों पर 2 दिन पहले बैठक में ये बात उन्होंने कही है। दरअसल आपको बता दें कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनमें लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती जा रही है और इसी को लेकर चिंता उन्होंने जाहिर की है कि अगर मुस्लिम आबादी बॉर्डर किनारे गांवों में हो गई तो कहीं पर मुसलमान हमला ना कर दें, ऐसी अमित शाह की सोच है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमित शाह ने इस पर चिंता जताई है और डीजीपी को इस पर नज़र रखने के लिए कहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई, 2 हफ्तों में ये दूसरा हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में एक मंदिर के सामने महात्मा गांधी की एक मूर्ति गिरा दी गई है और तोड़ दी गई। इस महीने इस स्मारक पर यह दूसरा हमला है। ये घटना 16 अगस्त के तड़के हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गांधी की मूर्तियों पर हुए हमलों की श्रृंखला में ये ताज़ा मामला दर्ज है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी महात्मा गांधी की मूर्तियों को तोड़ा गया था, उसके बाद जिन लोगों ने ये मूर्ति तोड़ी थी उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन फिर से जो है ये। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम नवीन पटनायक ने किया आश्वस्त, युवाओं को मिलेगा रोजगार, 70,000 पद पर करेगी भर्ती। जब दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के बाद उड़ीसा के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि उड़ीसा के विभिन्न विभागों में प्रवेश स्तर के 70,000 से अधिक पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार को उड़ीसा में ध्वजारोहण के बाद सीएम ने ये बातें कही हैं। बताया गया है कि तो पूरी हिंदुस्तान जानता है
तो उनको इस तरह से फंसाया है। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सारे मुकदमे को